मिस्टीरियस फॉर अस। हम श्री रामकृष्ण के अमूर्त शिक्षाओं के लिए किसी विशेष दर्शन या धर्म की बाधाएं नहीं डाल सकते। इसके अलावा इन शिक्षाओं में एकमात्र सत्य होने के एक विशेष विचार का कोई प्रवर्तन नहीं है, जैसा कि हम आम तौर पर शास्त्रों के रूढ़िवादी व्याख्याओं में पाते हैं। श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं उनके व्यक्तित्व की तरह सार्वभौमिक और उदार हैं। उनके पास आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का व्यापक विस्तार है और साथ ही वे उदात सत्यों की गहराई से संपन्न हैं। श्री रामकृष्णा इज एन यूनिवर्सल पर्सनालिटी। श्री रामकृष्णा'स टीचिंग्स आर ऑल्सो यूनिवर्सल एंड कैथोलिक। दे आर हैव ए वाइड एक्सपैंस एंड एंडोर्ड विथ द डेप्थ ऑफ द सब्लाइम ट्रूथ। इन श्री रामकृष्णा वी फाइंड थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इन श्री रामकृष्णा'स टीचिंग्स। वन इज द ट्रस्टवर्थीनेस। वी कैन बिलीव बिकॉज श्री रामकृष्णा स्पोक व्हाट ही हैज सीन, what visions he had, the transcendental experiences he underwent, and also Sri Ramakrishna's teachings were very authentic because Sri Ramakrishna himself has experienced that, and also Sri Ramakrishna's teachings were very practical because Sri Ramakrishna would say everybody can practice it at least to little extent. श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं में तीन मुख्य विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और व्यावहारिकता। श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं उनके स्वयं अतीन्द्रिय दर्शन और विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है, इसलिए उनकी शिक्षाएं मूल रूप से विश्वसनीय हैं। इसके अलावा श्री रामकृष्ण स्वयं उन सभी आध्यात्मिक सत्यों और अनुभवों के प्रामाणिक दृष्टांत है जो उन्होंने अपनी शिक्षाओं में व्यक्त किए, इसलिए वे वास्तविक है। तीसरे, श्री रामकृष्ण अपने जीवन में इस सच्चाइयों का प्रदर्शन किया और दिखाया कि दूसरों के लिए भी उन्हें व्यवहार के लाना संभव है, हालांकि कम तरीके से, इसलिए उनकी शिक्षा ये व्यावहारिक मूल्य की है। व्हाट रामकृष्णस इंटेंशन इन हिज टीचिंग्स इज, वी हैव टू बिल्ड ए स्पिरिचुअल मैंशन, वी हैव टू बिल्ड ए स्पिरिचुअल हाउस। वी जनरली बिल्ड ए हाउस फॉर अवर ड्वेलिंग, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। What is important in our life is to build a spiritual house. So there are three, four stages of building the spiritual life, and the four great sayings of Sri Ramakrishna represents the four stages of the building of the spiritual mansion. The first one is the commitment to the moral principles, ethical principle, and renunciation and dispassion, and love towards God, and experience God's presence everywhere. मान लीजिए कि हम एक घर बन रहा है, पहला चरण नींव का निर्माण करना है, फिर हम दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों और छत के क्रम से लगाते हैं। हालांकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य एक आध्यात्मिक हवेली का निर्माण करना है, अपने जीवन की आध्यात्मिक जीवन में बदलना है। आध्यात्मिक जीवन का पहला चरण नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता है, दूसरा चरण है त्याग और वैराग्य, तीसरा है ईश्वर के प्रति प्रेम, और चौथा है हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। हमारे पास आध्यात्मिक जीवन के इन चार चरणों के अनुरूप श्री रामकृष्ण की चार महान शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं। इन चार महान कथनों के माध्यम से हम श्री रामकृष्ण के द्वारा सिखाई गई
आध्यात्मिक जीवन के सार का पता चलता है। द फर्स्ट ग्रेट स्टेटमेंट इज अबाउट कमिटमेंट टू अवर मॉरल प्रिंसिपल्स। मोनमोद एकोरा, मेक यूर माइंड एंड वर्ड्स एस वन। सो मॉरालिटी शुड बी द बेसिस ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ रिक्वायर्स द प्यूरिटी ऑफ मा बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। द बॉडी नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग एंड हेल्थी एंड प्यूर। द माइंड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सटल ट्रूथ्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड ऑल्सो द इंटेलेक्ट शुड बी पिनिट्रेटिव टू अनालाइज स्पिरिचुअल आइडियाज। If you want to study Bhagavad Gita or Upanishad, you need penetrative intellect. And we have to make the spiritual ideas our own. But ethics itself will not bring us fulfillment in one's life. And Swamiji says, ethics is only a stepstone, a foundation towards spiritual development. It prepares our personality for spiritual evolution, which is the next stage. Morality, in fact, provides a beautiful foundation for us. Edifice called spiritual life. Naitikata adhyatmik jivan ka aadhar honi chahiye. Pahle se bane huye makan ki neev hame dikhai nahi deti. Halanki hum sabhi jante hain ek majboot neev ye ghar ke liye kitni mahatvapurna hai. Hamare adhyatmik jivan ke saath bhi aisa hi hai. जब हमारे अंदर नैतिक संवेदनशीलता जागृत होती है, तब हमारे हृदय में आध्यात्मिक जागरूकता का उदय होता है। यही कारण है कि सभी महात्मा लोग आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरल और व्यावहारिक नैतिक उपदेश देते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए शरीर, मन और बुद्धि की शुद्धता की आवश्यकता होती है। शरीर को मजबूत और स्वस्थ रहने की जरूरत है। सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों को समझाने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए और आध्यात्म विचारों का विश्लेषण करने और उन्हें अपना बनाने के लिए बुद्धि का भेदक होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए नैतिकता आवश्यक है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नैतिकता ही किसी के जीवन में पूर्णता नहीं लाएगी। हालांकि यह हमारे व्यक्तित्व की आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार करता है, जो अगला चरण है। हम अपूर्व अद्भुत जीवन जीना चाहिए और इसे सार्थक और फलदायी बनाना चाहिए। नैतिकता आध्यात्मिक जीवन कहे जाने वाले इस तरह के एक सुंदर भवन की नींव प्रदान करती है। इट नाउ व्हाट इज द एसेंस ऑफ द मोरालिटी। द होल ऑफ द मोरालिटी कैन बी कंडेंस्ड इन वन वर्ड, दैट इज ट्रूथफुलनेस। श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से द ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता इज द तपस और ऑस्टेरिटी फॉर द कलियुग। And Sri Ramakrishna used to emphasize on truthfulness. What is truthfulness? Yatharthata, exactness. Naitikata hamare bahri vyavahar mein vyakt hoti hai. Naitikata mool sar satyavadita hai. Sri Ramakrishna ki naitik samvedanashilata aur acharan naitikata ke सामान्य मानदंड से बहुत अधिक थे। वास्तव में श्री रामकृष्ण जी की वाणी उनके आचरण के अनुरूप थी। इसका मतलब है कि उन्होंने केवल उन आध्यात्मिक सच्चाओं के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। उन्होंने पहले आध्यात्मिक सच्चाओं का अनुभव किया और फिर उन्हें दूसरों के सिखाया। आइए हम विश्लेषण करें। नाउ वी विल डू सम सेल्फ एनालिसिस वेदर अवर एक्शंस आर इन अग्रीमेंट विथ अवर थॉट्स। अवर एक्शंस आर इन टैंडम विथ अवर थॉट्स एंड स्पीच। वी ऑलवेज फाइंड काइंड ऑफ एन इनकंसिस्टेंसी
contradiction in our own thoughts and actions and our words. That is the cause of all kinds of mental maladies. All our difficulties, all our miseries have a cause in this contradiction in our personality. It is the breeding ground of all the mental and psychical maladies. And what is the remedy? Sri Ramakrishna shows the way out of it. Sri Ramakrishna says we should keep the harmony in our thought, speech and action, and that is what is called truthfulness. That is the meaning of the monmukh ekora. आइए हम विश्लेषण करें कि हमारे कार्य हमारे विचारों और वाणी के अनुरूप है या नहीं. सामान्यतः हमारे विचारों वाणी और कार्यों में विरोधाभास रहेगा. यह विसंगति मानसिक तनाव घृणा ईर्ष्या और मानसिक विकृतियों के प्रजनन स्थल है जिससे हम पीड़ित है. ये हमारे जीवन के निराशाजनक और दयनीय हो जाएगा. इस अस्तित्वगत समस्या का एकमात्र उपाय हमारे विचारों वाणी और कर्म में सामंजस्य स्थापित करना है. सत्य का अर्थ है अपरिवर्तनीय. हमें से अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में सच्चाई बनाए रखने में विफल रहते हैं. यदि ऐसा है तो श्री रामकृष्ण सवाल करते हैं कि ईश्वर तक पहुंचाने कैसे संभव है जो सार्वभौमिक सत्य है. वी हियर ए वंडरफुल सेंटेंस इन बृहदारण्यक उपनिषद. इट इज कॉल्ड सत्यस्य सत्यम. एंड श्री रामकृष्ण चैलेंजेस अस इफ यू कैन नॉट मेंटेन ट्रूथफुलनेस इन द एम्पिरिकल लाइफ हाउ कैन वी अचीव the satyasya satyam, truth of the truth. Brihadaranyaka Upanishad kahte hai satyasya satyam iti. Iska matlab ki hum anubhav janya dunya ke roop mein kuch bhi anubhav karte hai sab brahma hai. Hamare samne chunauti yaha hai ki yadi hum samsar mein jo maya ke daire mein hai सत्यवादी नहीं हो सकता है तो हम परम सत्य को प्राप्त करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं जो इस ब्रह्मपूर्ण अस्तित्व से परे हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड भाव शुद्धि और द प्यूरिटी ऑफ माइंड एस एनन्सिएटेड बाय शंकराचार्य इन इस भाष्य. इसे संस्कृत में भाव शुद्धि सत्व शुद्धि कहते हैं. वे आध्यात्मिक आकांक्षियों के सावधान करते हैं श्री रामकृष्ण जी कि व्यक्ति के अपने मन में कभी भी छल नहीं करना चाहिए. हमारे दैनिक जीवन में इस आदर्श को लागू करने का प्रभावी तरीका क्या है इसका उत्तर श्री रामकृष्ण की पहला उपदेश मनमुख एक में मिलता है निहित है. समस्या यह है कि मन बुरे विचारों के भरा हुआ है. इसलिए हमारे लिए मन के बात कहना व्यावहारिक नहीं होगा. स्थायी समस्या के हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मन को बुरे विचारों से युक्त मुक्त करें और अक्षरशः नैतिक उपदेशों का पालन करें. इससे हमारी कई मानसिक समस्याएं दूर हो जाएगी. दिस इज द मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण व्हेन ही टोल्ड अस मनमुख एक कोरा. लेट अस जंप टू द नेक्स्ट सेइंग कामिनी कांचन त्याग. रिनन्सिएशन ऑफ द लस्ट एंड द ग्रीड अलोंग विद द ट्रूथफुलनेस. What Sri Ramakrishna emphasized is renunciation and particularly of the lust and the greed. Because renunciation and truthfulness go hand in hand, they are complementary to each other. That is why Sri Ramakrishna gives importance to renunciation. Naitikata ke saath saath आध्यात्मिक साधक के लिए जो आवश्यक है वह त्याग है.
श्री रामकृष्ण ने आपने उपदेशों में त्याग के पहलू को आध्यात्मिक महत्व दिया है, अत्यधिक महत्व दिया है। वे बार बार काम और लोभ के त्याग का सच्चा रूप मानने पर बल देते हैं। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिजायर्स वी हैव, बट व्हेन वी एनालाइज अवर माइंड वी फाइंड देर आर टू फंडामेंटल डिजायर्स। वन इज लस्ट काम, अनदर इज ग्रीड लालच। एंड शंकराचार्य सेज अविद्या काम एंड कर्म। अविद्या मीन्स अज्ञान, फ्रॉम अज्ञान से काम लालसा, देन वी डू एक्शंस एंड वी गेट रिपीटेड बर्थ्स। उपरोक्त उपदेश को कैसे समझें? यदि हम अपने मन का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि मन की विविध इच्छाएं ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री शंकराचार्य संसार के एक योजना देते हैं, अविद्या काम कर्म और जन्म, अज्ञान इच्छाएं कर्म और बार बार जन्म। पहले वाला बाद वाले का कारण है, सबसे मौलिक है अविद्या अज्ञान। चाहतों की तादाद बहुत है, हम इच्छाओं की इन भीड़ के कुछ पीछे अंतर्हित इच्छाओं का आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि कुछ विश्लेषण के साथ हम अन्य सभी इच्छाओं के प्रजनन आधार होने के लिए दो मूलभूत इच्छाओं का पता लगा सकते हैं। वे लौकिक वासना, लैंगिक वासना और कामुक वासना और लालच है। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक होने के नाते श्री रामकृष्ण ने मनोवैज्ञानिक सत्य का पता लगाया है। धन की लालसा और कामुक सुखों का लालसा, ये मूलभूत इच्छाएं बाद में सैकड़ों और हजारों इच्छाओं में बदल जाती हैं। इवन दिस वेस्टर्न साइकोलॉजी आल्सो एक्सेप्ट दिस। सिगमंड फ्राइड, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी, सेज द डिजायर, द सेक्सुअल डिजायर इज द रूट ऑफ अवर ऑल अवर मेंटल मैलिडीज। बट ही गिव्स ए सोल्यूशन दैट वी हैव टू सैटिस्फाई दैट सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और द सेक्सुअल डिजायर्स। बट अवर फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन योगा, द स्पिरिचुअलिटी सेज the root of the problem is not lies in sexual desire but in ajnan, avidya. We feel incompleteness, we feel lacuna in our being, in our personality. Why? We do not know the nature of our being as atman, the spiritual entity. That is the problem of our personality. That is the problem we are suffering from. That is the root of all the psychic problems. And Sri Ramakrishna has found out that solution. Paschatya manovijnan bhi kuch had tak upadesh uparokta se sahamat hai. Sigmund Freud ko aadhunik manovijnan ki pita mana jata hai. Unka prastav hai ki इच्छाओं को पूर्ण करना ही सुखी जीवन जीने का एकमात्र तरीका है, और ऐसा नहीं करने से मनोव्याधि होता है। हालांकि भारतीय मनोविज्ञान, उस हम योग कहते हैं भारतीय मनोविज्ञान, इस दृष्टिकोण का विरोध करता है। यह कहता है कि मानव द्वारा अनुभव की जाने वाले मानसिक कमी या अपूर्णता पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रकृति की अज्ञानता से कारण है। इसे लगभग सभी दर्शनों में अविद्या कहा गया है। किसी व्यक्ति में पूर्णता की भावन लभी प्राप्ति की जा सकती है जब वह अपने व्यक्तित्व को आध्यात्मिक रूप से महसूस करें। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिजायर, लालच, ग्रीड। वही वी आर ग्रीड आफ्टर मनी,
because we are in search of freedom. The money will give us freedom, independence. Money will give us security, and money give us happiness. But unfortunately, we are in search of money. When we are in search of money, we will be slave to money, and we will lose our independence, and we will lose our happiness. One who is after money is always full of anxiety, stress. मानवीय लालच के पीछे मौलिक रूप से तीन कारण हैं, सुरक्षा, स्वतंत्रता और खुशी. साधारण लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं, ये मूल्य केवल धन के माध्यम ही प्राप्त किए जा सकते हैं. जीवन में सुरक्षा की तलाश करने वाला व्यक्ति धन संपत्ति के कब्जों में अनिश्चितता के कारण पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है. जो स्वतंत्रता चाहता है वह धन और सांसारिक संपत्ति का गुलाम बन जाता है. सुख की चाह रखने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता में ग्रस्त होता है. दैट इज वाई श्री रामकृष्ण सेड, दीज आर द टू ऑब्स्टकल्स नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन इवन इन द ऑर्डिनरी लाइफ, let alone spiritual life. If we want to lead the spiritual life, we should be extremely careful about two obstacles, main obstacles, that is kamini and kanchana, and lust and the greed. Then we come to the another, third saying of Sri Ramakrishna, a great saying of Sri Ramakrishna, Ishware anurag vishaye virag, love towards God and dispassion towards the worldly objects. We human beings are always in search of true love, true bliss, true ananda, where we get the love, where we get the bliss. Because we will never get true love in worldly life. We will never get true bliss or ananda in the worldly objects, because there is always fear and anxiety in the worldly love. True love doesn't have any fear or anxiety. Worldly love is filled with all kinds of blemishes. Worldly happiness becomes an unbearable misery in the end. The Kathopanishad says, it will be very sweet in the beginning, like amruta, nectar, but in the end, the worldly love or the worldly happiness will become like poison. So we are so weak. That is why we will fail to come out of the clutches of the worldly bondage. And Sri Ramakrishna knew that. That is why he gave us the third great saying, Mahavakya, Ishware Anurag Vishaye Virag. हर इंसान सच्चे प्यार की तलाश में होता है. सच्चा प्यार हमारे लिए आनंद लेकर आना चाहिए. इसे तृप्ति और संतोष की भावना में पैदा करनी चाहिए. प्रेम में किसी भी प्रकार का डर या चिंता का भाव नहीं होना चाहिए. हालांकि सांसारिक प्रेम इन सभी दोषों से भरा हुआ है. यह दुख, घृणा और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं के उत्पन्न करता है. अतः हम सुख भोगने के स्थान पर सांसारिक प्रेम के कारण असह्य दुख भोगते हैं. यह किसी के जीवन में एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा कर देता है, जिससे यह एक वास्तविक नरक बन जाता है. And Sri Ramakrishna gives the lasting solution to this persistent problem of human existence. We are deprived of the human love. We are deprived of the true love. What we have to do? Let us love God. Only in the love of God there is true love. The love finds its trueness. Real love is in the loving God. Love finds its true identity in love God. That is why Sri Ramakrishna says, Anurag, love of God. When we try to love God, when we go near God, automatically
all the worldly, our love towards, attraction towards worldly objects will drop away. Shri Ramakrishna manava astitva ki is nirantar samasya ka sthayi samadhan dete hai. Samasya ke karan is satya mein nidhit hai ki hum sachche prem se vanchit hai. Isliye hamare samne yah khojna hai कि सच्चा प्यार क्या है और इसी हर तरी से हासिल करना है. प्रेम पूरी तरह से एक सकारात्मक भाव है. प्रेम अपनी वास्तविकता पहचान और अर्थ केवल ईश्वर प्रेम में पाता है. यही कारण है कि श्री रामकृष्ण बार बार अपने भक्तों के भगवान के प्रति अनुराग विकसित करने का उपदेश देता है. हर व्यक्ति को ईश्वर को पूरी सृष्टि का भवन और सार मानना चाहिए और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उनकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए. तभी इस धरा पर हमारा जीवन संतोषप्रद हो जाता है और संसार आनंद की वस्तु के रूप में प्रकट होता है. There is another element in the love, that is what is called attraction. If you love a person, we will be attracted towards him or her. The more we love a person, the more we will be attracted towards him. And Sri Ramakrishna, a great psychologist, I can say, understood this fact. That is why he said, direct your love towards God. Get attracted by the Lord. Love God more and more, and the God will attract you towards Him and identify with the consciousness of God. This is the meaning of Ishvare Anurag, Vishaye Virag. Pure devotion towards Supreme God and dispassion towards worldly objects. Akarshan ek aparivartaniya tattva hai. हम स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की और आकर्षित होते हैं जिस हम प्यार करते हैं. प्रेम की तीव्रता जितनी अधिक होती है आकर्षण उनता ही अधिक होता है. श्री रामकृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि इस प्रेम को भगवान के प्रति निर्देशित करें. परिणाम स्वरूप जब हम ईश्वर से अधिक प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर के प्रति अधिक से अधिक आकर्षण महसूस करते हैं और ईश्वरा के चेतना के साथ अधिक से अधिक तादात्म्य स्थापित करते हैं. इससे हमारा सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रारंभिक आकर्षण समाप्त हो जाता है. श्री रामकृष्ण इस महान सत्य को एक सरल सूक्ति से माध्यम में सिखाते हैं. ईश्वरे अनुराग विषये विराग. परमेश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति और सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य. द लास्ट ग्रेट सेइंग ऑफ श्री रामकृष्ण इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज द मोटो, इट इज द वेरी एम एंड पर्पस ऑफ द monks of the Ramakrishna order. Shivajnani Jiva Seva. We have to understand the philosophical basis of it. You know, there are two types of reality enunciated or instructed in the Upanishad. One is the Pratyagatma, the Atma or the spiritual entity within our body, mind and intellect that is guiding us. And Keno Upanishad says, we see because of the Atma is able, will make us able to see. We hear because Atma or the consciousness, knowledge, pure knowledge will make us to hear. That is what is called Pratyagatma. There is another concept, Virad Atma. The God is everywhere. The consciousness is everywhere. The Atman is everywhere, Brahman is everywhere. Sarvam Khalvidam Brahma, Ishavasyam Idam Sarvam.
वी हियर फ्रॉम द उपनिषद. देयरफॉर एज स्पिरिचुअल एस्पिरेंट वी शुड फील द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम गॉड बोथ विद इन एंड द विदाउट. दीज आर द टू वर्ड्स यूज बाय स्वामी विवेकानंद, विद इन एंड विदाउट. इट इज द हाइएस्ट आइडियल टू रियलाइज गॉड इन इट्स एंटायरिटी विदिन अस, विदिन एज वेल एज विदाउट, विदिन द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. वेदांत में दो पूरक अवधारणाएं हैं, प्रत्यगात्मा और परागात्मा. किसी के व्यक्तिगत अस्तित्व को प्रकाशित करने वाली दिव्य चेतना को प्रत्यगात्मा कहा जाता है. वही चेतना जो सारे अस्तित्व में व्याप्त है परागात्मा कहलाती है. एक आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए इन दोनों पहलुओं में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना बहुत आवश्यक है. वेदांत सिखाता है कि व्यक्ति को ईश्वर को भीतर और बाहर अनुभव करना चाहिए. शरीर मन के समूह के भीतर और उसके बाहर पूरे ब्रह्मांड भी है. सर्वोच्च आदर्श वेदांत हमारे सामने रख रहा है ईश्वर को उसकी संपूर्णता में भीतर और बाहर भी महसूस करना है. सो देर आर टू डेंजर्स फॉर द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट. ही विल बिकम वेरी इन टू इंडिविजुअलिस्टिक. आई एम ए ग्रेट मेडिटेटर, आई डू मेडिटेट फॉर आवर्स टूगेदर. सो ही विल डेवलप ईगोइज्म एंड सेल्फिशनेस. दीज आर द डेंजर्स a spiritual aspirant encounters while leading a spiritual life. Therefore, Sri Ramakrishna says equal importance should be given to both God without and God within. We do prayer, meditation, and we try to realize God within, but we should also feel the presence of God everywhere. How to do it? By serving every being, seeing in him nothing but God and God alone. एक आध्यात्मिक आकांक्षी भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए कड़ी मेहनत करता है. इस प्रक्रिया में दो खतरे सामना करना पड़ता है, अहंकार और स्वार्थ. हम सभी प्रार्थना, ध्यान और भगवान के नाम के जप के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के अंदर में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने की कोशिश करते हैं. साथ ही हम सभी मनुष्यों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए. इसे कैसे प्राप्त किया जाए? श्री रामकृष्ण अपनी सरल लेकिन प्रभावी विधि के माध्यम से इस सार्थक प्रश्न का उत्तर देते हैं. शिव ज्ञानी जीव सेवा. सो वी शुड बी एबल टू सी गॉड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. एंड व्हेन इफ यू ट्राई टू हेल्प वन विद दैट फीलिंग, इट विल नॉट बिकम हेल्प, इट विल बिकम सेवा. The soul is seva will become puja. That means when I am serving a person, I am doing puja, worshipping him. This slowly the puja will become contemplation or the meditation. So the work will become seva. Seva will become worship. And worship will become contemplation and the dhyana. Then we can realize God in its entirety, within and without. This is the wonderful method of sadhana shown by Sri Ramakrishna in this age. The monks of the Ramakrishna order and the devotees of the Ramakrishna order follow that. जब हम प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के रूप में देखने की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं तो एक वास्तविक प्रकार की सेवा संभव हो जाती है. अब यह किसी दूसरे इंसान को सेवा नहीं बन जाता है,
यह भगवान की पूजा में बदल जाता है। दूसरों के प्रति दृष्टिकोण में इस परिवर्तन के माध्यम से प्रत्येक लौकिक मदद या सेवा एक आध्यात्मिक आयाम होगा। दिव्यता के स्पर्श से हमारे सभी कर्म पवित्रता हो जाता है। सेवा कार्यों में निरंतर संलग्न रहने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। हम जो कुछ भी भक्तिपूर्ण भाव से करते हैं वह समय के साथ ईश्वर की पूजा का रूप धारण कर लेता है और साधना का अंग बन जाता है। जिसे प्रारंभ में काम कर्म माना जाता है वह सेवा हो जाता है। सेवा पूजा बन जाएगा और पूजा ध्यान हो जाएगा और निरंतर मनन करने से ईश्वर का बोध होगा। इस तरह कोई अपने जीवन का पूर्णता पा सकते हैं। दीज आर दी फोर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण। वी शुड रिमेंबर वंस अगेन, मनमुख एक कोरा, ईश्वरे अनुराग विषय सॉरी कामिनी कांचन त्याग, मनमुख एक कोरा, दिस इज अबाउट एथिक्स नैतिकता, कामिनी कांचन त्याग, दिस इज अबाउट त्याग और रिनन्सिएशन, नेक्स्ट फ्रॉम लविंग गॉड एंड डेवलपिंग डिस्पैशन टूवर्ड्स वर्ल्ड, ईश्वरे अनुराग विषये विराग, एंड लास्टली द ग्रेटेस्ट आइडियल ऑफ श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद, द मंक्स ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर, रामकृष्ण मिशन विच इज सेलिब्रेटिंग 125th ईयर, दिस इज द शिवज्ञानी जीव सेवा। सी गॉड इन मैन एंड सर्व हिम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। देखो हल्ला शुरू हो गया। जननीं सर्वदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिनेता पारिने। कोई जरूरत नहीं तो लगाओ तुम किसी अभी अभी हम लोग एक मनोज्ञ भाषण सुना है श्री रामकृष्ण की चार अनूठा उपदेश परवर्ती विषय संघ मूर्ति श्री रामकृष्ण। आप लोग जानते हैं कि इस साल हम लोग रामकृष्ण संघ के 125वां वर्षगांठ मना रहे हैं। अनुष्ठानिक रूप से श्री रामकृष्ण संघ का शुरुआत 1 मई 1897 से हुआ था, जिसके 125वां वर्ष पूर्ति इस दौरान हो रहा है। इस आधार पर हमें जानना जरूरी है श्री रामकृष्ण एवं श्री रामकृष्ण संघ में क्या संपर्क है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन श्री रामकृष्ण एंड श्री रामकृष्ण मिशन, श्री रामकृष्ण ऑर्डर। इसी आधार पर आज के विषय आज के प्रातःकालीन सत् प्रसंग में हम लोग चर्चा किए थे श्री रामकृष्ण के 9 अनूठा विशेषता, 9 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री रामकृष्ण। उनमें से नवम विशेषता था संघ रूप से श्री रामकृष्ण की उपस्थिति, कंटिन्यूएंस ऑफ श्री रामकृष्ण इन द फॉर्म ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर, इसका विस्तार मैं कहा था शाम को होगी। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, पाश्चात्य देश में भ्रमण किए, तब उन्होंने कहा पाश्चात्य देशवासियों को, इस देश में आकर मैं किसी को पसंद में आ गया। He told his intimate friends, I fell in love in this country. तुम ले के अनुगामिनियों को मजाक करके पूछा, Who is that fortunate woman, स्वामी जी, आप जिसको प्रेम में पड़ गए। स्वामी जी ने कहा, एक ही व्यक्ति नहीं है, ये है तुम्हारे देश का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाश्चात्य देशवासियों को अग्रगति का
मूल नींव है, द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न नेशन. इसलिए वो जब भारतवर्ष में लौटे, रिटर्न इन 1897, और उसके 6 महीने के भीतर 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा हुआ. ये एक अनूठा संघ है. ये संघ का प्राण पुरुष है श्री रामकृष्ण, एवं ये कोई सन्यासी का संघ नहीं है. संघ का सृष्टि रामकृष्ण संघ प्रथम संघ नहीं है. भगवान बुद्ध ने संघ प्रतिष्ठा किया था. संघ मंत्र में है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि. भगवान बुद्ध का पर्सनैलिटी, भगवान बुद्ध के प्रवर्तित धर्म एवं उद्धर्म कार्यक्रम में करने के लिए जो धर्म चक्र संघ, ये तीनों को मैं अनुसरण करूँगा. वो जो संघ हुआ था वो सन्यासी एवं सन्यासिनियों का संघ था. यद्यपि संघ में सन्यासिनियों का अंतर्भुक्ति में बुद्धदेव का प्रबल आपत्ति था, लेकिन उनके मुख्य शिष्य आनंद के अनुरोध उनके विशाल हृदय प्रत्याख्यान करने में असमर्थ रहा. उन्होंने कहा, तुम्हारा अनुरोध से मैं श्रीलोक को भी संघ में अंतर्भुक्ति का आदेश दे रहा हूँ, लेकिन इसमें हमारे संघ का आयु 500 साल घट जाएगा, संघ का पतन हो जाएगा. और वही हुआ था. लेकिन ये सन्यासिनियों का संघ था जो त्याग पर आधारित था. वैसे ही इस संघ का मूल हित स्थान क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज मोस्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द कैथोलिक मॉन्क्स. लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य संघ का प्रतिष्ठा हो रहा है, जो कि कोई पहाड़ जंगल में इस समाज के दूर स्थान में एकांत में नहीं, तदानीन्तन भारतवर्ष का राजधानी कोलकाता में व्यस्तमय शहर में एक गृह का भवन में संघ प्रतिष्ठा हो रहा है. सन्यासी एवं गृह भक्तों का मिलित प्रतिष्ठा से ये संघ का प्रतिष्ठा हुआ. ये समझने की बात है. संघ का सृष्टि काल में स्वामी विवेकानंद इसका इतिहास दो टूक शब्द में बता दिया, जो कि स्वामी शिष्य संवाद यानी विवेकानंद के संघ में
अथवा अन्य अनुवाद में उपलब्ध है। 1 मई 1897 कोलकाता। स्वामी जी ने कहा, अनेक देशों में भ्रमण करने पर मैंने यह सिद्धांत स्थिर किया कि बिना संघ के कोई भी बड़ा कार्य सिद्ध नहीं होता, परंतु हमारे देश में इसका निर्माण यदि शुरू से ही सर्वधारण के मतानुसार किया जाए तो मुझे ऐसे अनुमान होता है कि यह अधिक कार्य करेगा। मुझे ऐसे अनुमान नहीं होता है कि वह अधिक कार्य करेगा। यह संघ उन श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिसके नाम पर भरोसा कर हम सन्यासी हुए और आप अर्थात गृह भक्तगण, आप सब महानुभव जिनको अपना जीवन आदर्श मान संसार आश्रम रूप कार्य क्षेत्र में विराजित हैं और जिनके देहावसान से 10 ही वर्ष से मध्य प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत में उनके पवित्र नाम और अद्भुत जीवनी का प्रसार इसे आश्चर्यजनक हुआ है, हम सब प्रभु के सेवक हैं, आप लोग इस कार्य में सहायता दीजिए। यह है संघ का प्रतिष्ठा दिन संकल्प। इस संघ एक गृही एवं सन्यासी के हाथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री रामकृष्ण ऐसी अनूठा व्यक्तित्व थे जो कि त्याग का शिरोमणि होते हुए भी सन्यास आश्रम एवं गृहस्थ आश्रम एक ही साथ जीते हुए दोनों आश्रम का उदाहरण दृष्टांत बने। हमारी जो अब तक जो परंपरा था, जो 4 आश्रम का परंपरा था, श्री रामकृष्ण ने उसको तोड़ दिया। हमारे देश का हजारों साल का परंपरा है, ब्रह्मचर्य गारहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, एक ही जीवन में ये परंपरा है। लगभग 25 साल का कह दिया गया है, छात्रावस्था 25 साल, गृहस्थ जीवन 25 साल, सुपर एन्यूमरेटेड पीरियड 25 साल, उसके बाद 25 साल त्याग का जीवन। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ सन्यास आश्रम, एक के बाद एक जाना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही शरण लाभ करना संभव है, उनको छोड़ के कोई सन्यास आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जीवन शैली सिखाया ताकि गृह में रहते हुए वो मंदिर बन जाए, आश्रम बन जाए, संसार में जो रिश्तेदारों है उनके साथ जो स्नेह का रिश्ता है उस श्रद्धा का रिश्ता में परिवर्तित हो जाए, उनके भीतर ही ईश्वर को दर्शन करते हुए सेवा करते हुए संसार शांति निकेतन बन जाए, न केवल अपने जीवन में करके दिखाया,
उनके भक्तगणों के जीवन में करके दिखाया। और वही अभी नया युग धर्म है, लेकिन सन्यासी एवं गृही सबके जीवन में एक अवलंबन का जरूरत होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण ये संघ का प्रवर्तन किया। साधारणतया एज पर रिकॉर्ड्स माना जाता है, स्वामी विवेकानंद इसके प्रतिष्ठाता है, उसका दिनांक है 1 मई 1897, लेकिन ये गलत है। इस संघ का प्रतिष्ठाता स्वयं श्री रामकृष्ण काशीपुर में उनके देहांत के पहले संघ का शुरुआत कर दिया। उन्हें खुद बताया हमारी गले का जो रोग है वो है एक बाछाई पद्धति, छांटने का एक बहाना, इससे हम जो भावी संघ का परिचालन करेंगे उसको चुनने का प्रक्रिया है। हमारे ये भयानक रोग देखकर अवांछित व्यक्ति अपने आप चले जाएंगे, हमें किसी को भगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ईश्वर को चाहते हैं, जो ये संघ परिचालन करेंगे वो इधर आ जाएगा, उनको लेकर उनका संघ का सूचना हुआ एवं निरंतर स्वामी विवेकानंद का उन्होंने निभृत कक्ष में बुलाकर निर्देश दिया भावी संघ कैसे परिचालन करना चाहिए। इतना भी बता दिया इस संघ का परिचालक रहेंगे स्वामी ब्रह्मानंद, वो राजा है, उसके राजबुद्धि है, हिमसेल्फ नॉमिनेटेड डेजिग्नेटेड द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर, जो कि दीर्घकाल काम किया। ही डेजिग्नेटेड द जनरल सेक्रेटरी, शरद महाराज के गोद में बैठ गया, बोल रहे थे मैं टेस्ट कर रहा था, परख रहा था तो कितना बोझ वहन कर लोगे। किसका बोझ? श्री रामकृष्ण के शरीर का बोझ, जो शरीर अभी रामकृष्ण संघ में परिवर्तित हुआ। गभीर सांकेतिक अर्थ है संघ का। जो परिचालना स्वामी विवेकानंद करने वाले हैं, शरीर छोड़ने के पहले एक दिन स्वामी विवेक नरेंद्रनाथ को बुलाया और दरवाजा बंद करके उनका कुछ बोलने का प्रयास किया। नरेंद्रनाथ बेहोश हो गए, फिर जब होश आया तब देखा श्री रामकृष्ण रो रहे हैं, तो उन्होंने समझा नहीं क्या हो गया, तब खुद ही बोल रहे हैं मेरे जो कुछ शक्ति सामर्थ्य था सब तेरे को देकर आज मैं फकीर बन गया। तो उनको तो फकीर बनने के लिए कोई बोला नहीं, ये था आनंदाश्रु, ये था कलेबर परिवर्तन। भगवान जो शक्ति लेके आए थे सबके कल्याण करने के लिए, वो अभी शक्ति का आधार श्री रामकृष्ण के शरीर छोड़कर नरेंद्रनाथ का शरीर आश्रय किया एवं परवर्ती काल में इस संघ शरीर में प्रवेश किया।
वही शक्ति कार्यशील है एवं श्री रामकृष्ण ये संघ के भीतर विराजमान है। तो गृही एवं सन्यासी का सम्मिलित युक्त रूप से जो संघ प्रतिष्ठा हुआ उसका प्राण पुरुष है श्री रामकृष्ण, वो अभी भी जीवित है सक्रिय रूप से। स्वामी विवेकानंद बारंबार बोल रहे हैं जो आंतरिक होके ठाकुर को पुकारेंगे उनको ठाकुर का सन्निधि उपलब्धि होगा, सान्निध्य ठाकुर को दर्शन कर सकेंगे। अनेक उदाहरण है। अभी श्री रामकृष्ण न केवल ये संघ में विराट शरीर में विराजमान है, ठाकुर की मंदिर में जो मूर्ति पूजा होता है वो ठाकुर के विग्रह का पूजा हो रहा है, और ये संघ में जगन्नाथ नारायण नारी को सेवा होता है ये ठाकुर की विराट मूर्ति से पूजा होता है। स्वामी अखंडानंद जी जब प्रेसिडेंट थे आश्रम में ठाकुर की तिथि पूजा में सैकड़ों गरीबों को बुलाया गया, खिचड़ी प्रसाद वितरण होगा, उन लोग का अपेक्षा मान है। उन लोग का भूख लगा अपेक्षमान है, मंदिर में ठाकुर को भोग चढ़ रहा है। ठाकुर ने अखंडानंद जी को दर्शन देकर बोल रहे हैं, देखो जो तो बाहर में बैठे हैं वही मेरा रूप है। उनके पत्तल में मेरा भोग निवेदन करो, वही किया गया। जब ...1936 जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ, शतवर्ष जयंती ठाकुर के जीवन का, आज हमारे 187th बर्थडे हो रहा है, जब शतवर्ष हुआ था एक बड़ा अनुष्ठान हुआ था, संघ का प्रेसिडेंट थे स्वामी अखंडानंद जी, उनको निवेदन किया गया था आप प्रेसिडेंशियल मैसेज दीजिए, वो तब सारगाछी में रहा करते थे। तुमने कहा श्री रामकृष्ण का कोई जन्म नहीं हुआ, एक जीता जागता रूप है, उसका अनंत जीवन है, उनका कोई शतवार्षिकी पालित नहीं हो सकता है, हमें कुछ नहीं करना है। किसी हालत से उन्होंने राजी नहीं हुआ, लेकिन जन्म शतवार्षिक के पहले सारगाछी में जब वो निद्रित थे रात में, अचानक देखा ठाकुर आगे उपस्थित हुआ, और कहते हैं उन लोग एक संदेश देने के लिए तुम्हें बोल रहा है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। वो कहते मैं आपके बारे में क्या जानता हूं, सीधा बोल रहे हैं कई शाला लेख इज डिक्टेटिंग बांग्ला में। वो कहते हैं बिजली नहीं था, कुछ समय दीजिए मैं दिया जला लेते हैं, सब अंधेरा है, और फिर कलम निकाल के लिखना चालू किया।
अद्भुत भाषण. इट स्टार्ट्स विथ प्रभुर एबार आगमन पर्ण कुटीरे. सुंदर भाषा. अकरनंद जी से लिखा और सुबह में भेज दिया और वही पठित हुआ. लिखित है, किताब में है, पूर्ण भाषण बंगला में भी है, अनुवाद में भी है. यही है संघ मूर्ति श्री रामकृष्ण का परिचिति. ये संघ में, विराट शरीर में सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए वो विराजमान है. सेव्य सेवक वही है. एक रूप से नारायण रूप से सेवा लेने के लिए आते हैं. आर्त नारायण, रोगी नारायण, अज्ञानी नारायण, दुखी नारायण रूप से, और दूसरा रूप से सेवा देने के लिए ये संघ मूर्ति श्री रामकृष्ण सबको प्ररोचित कर रहे हैं. दाता और गृहीता दोनों ही धन्य है, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो देते हैं वही अधिक धन्य है. इट इज द गिवर हु इज ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर. क्योंकि वो देकर प्रभु की सेवा करने को अवसर मिला, वो धन्य हो गए. श्री रामकृष्ण जब जीवित थे तभी उनका ये विस्तृति का प्रकाश मिला था. ১৮৬৮ में जब विदाई राम उनको निवेदन किया जो शिहर में हो, दुर्गा पूजा कर रहे हैं घर में, ठाकुर का आह्वान किया. ठाकुर ने कहा मैं इस शरीर में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पर रहेंगे. हृदय राम का साक्षात अनुभूति हुआ, ठाकुर वहाँ विराजमान है, पूजा में अंश ले रहे हैं. लाटू महाराज दक्षिणेश्वर में आए, रामलाल दादा बोला वो नहीं है, कमर पर कुछ चले गए. उन्होंने कहा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ठाकुर जरूर इधर होंगे. और पंचीपट्टी में जाकर वो बैठ गए. शाम को रामलाल दादा आके देख रहे हैं लाटू महाराज वहाँ पर बैठ के किसी को प्रणाम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. जाके देखा कोई तो है नहीं. तब लाटू महाराज का बोला तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? तब उन्होंने कहा अभी तक परमाणु से मुशाहित यहाँ थे, वो कहाँ चले गए? अर्थात प्रभु उनका विराट शरीर में चारों ओर विराजमान है. विजय कृष्ण गोस्वामी जब ढाका में उपस्थित हुआ, वहाँ पर ठाकुर का दर्शन हुआ. लौट कर आकर बोल रहे हैं मैं वहाँ पर आपको देखा, पहले सोचा था मेरा भ्रम है, आपको हाथ पैर दबा के परीक्षा लिया, जीता जागता व्यक्ति है, कोई सपना दर्शन नहीं है. हाथ पर टीपे देखे थी, अपनी साक्षात विराजमान छे. तो एक ही शरीर में विराट रूप से चारों ओर विराजमान है. यही है वेदांत का तत्व, जो कि ठाकुर अपने जीवन में एक निदर्शन से प्रतिष्ठा किया. ये जिस बार उनका आगमन है, उनका आगमन का विशेषता कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है. कभी क्वालिफाई नहीं किया कि कौन ग्रुप का मनुष्य का लाभ करेगा, विद्वान जो धनवान
जो शिक्षित पुरुष नारी कोई नहीं है, मान क्वालिफिकेशन ह्यूमन बीइंग, द गोल ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज गॉड इन दिस लाइफ, ह्यूमन लाइफ, और उसके लिए जो जहाँ पर है वहाँ पर रहते हुए उस कार्य करते हुए कैसे ईश्वर प्राप्त करे, इसी का समाधान देखे गए। इसको जैसे रुचि है, कोई सन्यासी बनना चाहते हैं वो स्वागत है, कोई संसार में रहने चाहते हैं वो भी स्वागत है, कोई छोटा नहीं है, नो वन इज इन्फीरियर। सो फार इट वॉज कंसिडर्ड द हाउस होल्डर्स आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स, सेकेंड ग्रेड स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, द नॉर्म इज ब्रोकन। वरना श्री रामकृष्ण गृह भक्तों को अधिक मर्यादा दिया, जो सन्यास जीवन यापन किया है वो तो भगवान का नाम करेगा ही, इससे बहादुरी क्या है, लेकिन जो संसार का हजारों कर्म कर रहे हैं मानो माथे पर 40 किलो का बोझ लेते हुए हंसते हुए कर्म कर रहा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। दशम अध्यक्ष रामकृष्ण मठ का स्वामी वीरेश्वरानंद जी हम लोग को कहा करते थे, संसारी लोग को देखो सीखो कैसे दिन भर काम करते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है, और तुम लोग कितना नाम ले रहे हो, यू लर्न फ्रॉम देम। दैट वॉज आवर इंस्ट्रक्शन। गृह भक्त का ये मर्यादा दिया है, और संसार को एक आश्रम बना दिया, पवित्र स्थान है। स्वामी भूतेशानंद जी के साथ बातचीत हो रहा था, किसी ने मजाक करके बता दिया, अरे उन लोग तो संसारी है। पूज्य महाराज साथ साथ बोला, ओरा की नौरों के कीट, संसार आश्रम से ही तुम लोग पैदा हुए हो, भूलना नहीं। तो ये हमारे भारत का परंपरा है, जो परंपरा का पुनः प्रवर्तन किया श्री रामकृष्ण, एवं श्री रामकृष्ण के आदर्शन के बाद सबको एक साथ प्ररोचित करते हुए वो वर्तमान है, जो कि स्वामी विवेकानंद के स्पष्ट वाणी से उच्चारित हुआ है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद की उक्ति है, शरीर छोड़ने के पहले, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी एंड कैस्ट इट आउट लाइक इट इज गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क, आई शैल गो ऑन इंस्पायरिंग पीपल एवरीवेयर टिल द होल वर्ल्ड शैल नो दैट इट इज वन विद गॉड। अगर जरूरत पड़े मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन कर्म से विश्राम नहीं लूंगा, अविरल कर्म करते रहूंगा जब तक जगत के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात हमारे प्रत्येक के पीछे ठाकुर की शक्ति विराजमान है, ये संघ रूप से विराजमान है। संघ के परिचालक गण बारंबार कहा था, संघ का निर्देश ही ठाकुर का निर्देश मानो, संघ सेवा ही ठाकुर का सेवा मानो, और उससे जीवन का गठित करो, चारों ओर सेवा करते हुए जीवन का सफल करो, इस जीवन में ईश्वर दर्शन करते हुए जीवन सार्थक करो। नमस्कार।
अभी अशोक मुखर्जी का समापन संगीत। आज ठाकुर के जन्म जयंती में ठाकुर को हम लोग जगत गुरु मानते हैं। जिसको जो भी गुरु हो ठाकुर को हम अपना गुरु मानते हैं। तो आज की जन्मतिथि में श्री गुरु प्रार्थना होना चाहिए, सुबह से हुआ नहीं। तो आप लोग सब एक साथ करें, आपको लिपि दिया जा रहा है। तो इधर दो थोड़े रंजित भव सागर तारण कारण है। भवसागर तारण कारण हे रवि नंदन बंदन खंडन हे भवसागर Sharonagato King
दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने रिधि कंदर तामस भास्कर हे तुमि विष्णु प्रजापति शंकर हे श्रीकंदर तामस भास्कर हे तुमि विष्णु प्रजापति शंकर हे परब्रह्म परात पर वेद भणे गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने मनोबारण शासन अंकुश हे नर त्राण तरे हरि चाखुश हे मनोबारण शासन अंकुश हे नर त्राण तरे हरि चाखुश हे गुरु गान परात पर देव गणे गुण गान परात पर देव गणे गुरु देव दया पर दीन जने गुरु देव दया पर दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने फूल कुंडलिनी दुम भंजक हे हृदि ग्रंथि विदार विदाशक हे फूल कुंडलिनी दुम भंजक हे रिधि ग्रंथि विदारण कारण हे मम मानस चंचल रात्र दिने मम मानस चंचल रात्र दिने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने रिपुसूदन मंगल नायक हे सुख शांति बरा भय दायक हे रिपुसूदन मंगल कारक हे सुख शांति बरा भय दायक हे त्रयोताप हरे तब नाम गुणे त्रयोताप हरे तब नाम गुणे गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने अभिमान प्रभाव विमर्दक हे गतिहीन जने तुमि रक्षक हे अभिमान प्रभाव विमर्दक हे गतिहीन जने तुमि रक्षक हे
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে সব নাম সদা সুখ সাধক হে পতিতা ধম মানব পাবক হে সব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতা ধম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে জয় সৎগুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে জয় সৎগুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে মন যেন রহে তব শ্রীচরণে মন যেন রহে তব শ্রীচরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে 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 ভব সাগর তারণ কারণ রে রবি নন্দন বন্ধন খন্ডন রে শরণাগত কিঙ্কর প্রীত মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে 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 জয় শ্রী গুরু মহারাজ কি জয় জয় মহামায়ি কি জয় জয় স্বামী মহারাজ কি জয় জয় রাজা রামচন্দ্র জি কি জয় জয় শ্রী শ্রী কালী মাই কি জয় জয় গঙ্গা মাই কি জয় ভক্তগণ সে নিবেদন হ্যাঁ সব প্রসাদ লেকে যায়গে প্রসাদ উপলব্ধি হ্যাঁ সবকে লিয়ে নিচে।